हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का पेपर शुरू हो गया, तो आज का हम इसमें जो है इसमें पेपर के जो है हिंदी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये 23 अगस्त का जो है सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का है। तो फर्स्ट शिफ्ट इसके हम हिंदी के करा चुके हैं, ठीक है भाई। तो आज इसमें हम देखेंगे सेकेंड शिफ्ट के। तो आशा करता हूँ आपके पेपर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे गए होंगे, ठीक है। देखिए, एक दो क्वेश्चन जो है आपके जो रचनाओं से संबंधित है, हो सकता है आपको परेशान किया हो, ठीक है, और सब आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न, काफ़ी अच्छा पेपर गया होगा, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर यहाँ आपको कह रहा है कि देखिए 114 से 118 गद्यांश प्रश्न इसको पढ़ना है। देखिए, झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। देखिए, यहाँ पे सब रख भी दिया है, बहुत ही आसान पेपर इसमें आपके गद्यांश से बनाया है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है, दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, ऊपर ही आपको लिख दिया है। तो आइए देखते हैं भाई, पढ़ते हैं इसको। करें, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भावनी भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो खूब लड़ी मर्दानी वाह तो झांसी की रानी थी। ये आपका गद्यांश था, इसी से प्रश्न का जवाब देना था, ठीक है। कितने से भाई? 14 से 18, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी, ये देखिए आपके कह रहे कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो कह रहे कि सामाजिक हैं, वात्सल्यपूर्ण है, देशभक्तिपूर्ण है या धार्मिक है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो सकता है? देखिए, इसका हमारे अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देशभक्तिपूर्ण, क्योंकि देखिए इसमें देशभक्ति की पूर्णता दिखाई गई। और रानी लक्ष्मी, ये जो झांसी की रानी आप जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी हैं, ठीक है भाई। तो इसमें जो है देशभक्तिपूर्ण, ठीक है। चल आइए देखते हैं अगला है। खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है, करें वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्वान या लड़ाकू। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वीरांगना, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। उक्त गद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, तो कौन हो सकता है भाई? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, झांसी की रानी, ठीक है। अगला देखते हैं। इस कविता की कवित्री का नाम है, तो आप जानते हैं भाई, इसका मैंने कई बार बताया था, तो आप राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। अब देखिए, इस कविता में का प्रयोग किया गया रस, भाई देखिए इसमें वीरता दिखाई गई, अब जानते हैं झांसी रानी वीर थी, महिला थी, तो आप इसमें कौन सा लगाएंगे? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वीर रस, ठीक है। वीर रस का जानते हैं स्थायी भाव उत्साह होता है। दिए गए विकल्पों में से करें कि विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो भाई विधुर जो हैं ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी मर गई हो, तो उन्हीं को बोलते हैं विधुर, और विधवा आप जानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। विधुर होगा इसका, सॉरी, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधवा होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग। अरे भाई, कब, कब, क्यों, कब, कैसे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है ना, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई, वहाँ यहाँ नहीं लगाना, कापी में गोला करना, ठीक है। आइए देखते हैं। 1987 में मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये किसे दिया गया था भाई? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा को, ठीक है। ये जो है मगध कविता के लिए श्रीकांत वर्मा को 1987 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जरूर आप देख के जाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है भाई? बताइए, विशेषण हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि मात्र, देखिए मात्र जो है परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा ना, परिमाणवाचक विशेषण, तो हमारे हिसाब से कौन सा हो जाएगा? देखिए सही हो जाएगा, निपट, क्या होगा भाई, चुपचाप, खर्च, निपट, जहाँ तक मूर्ख होता है, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। मात्र शब्द क्या है? विशेषण है। ये देखिए, अव्यय के कितने भेद हैं? आपने आम से कह, हमेशा जब भी अव्यय आता है, चार भेद चिल्ला रहे थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, चार भेद होते हैं।
री वर्ण का उच्चारण स्थान, इसको भी कहते थे कि इसका जरूर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये इसका मूर्धन्य होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मूर्धा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका बी हो जाएगा, गुण, ठीक है। कानन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द बताना है भाई। देखिए यहाँ पे कानन माने वन, जिसको जंगल कहते हैं, और अरण्य भी होता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने एक तरह से गलत ऑप्शन बनाए हैं, इसमें दो दे दिए हैं, तो ए और डी दोनों होगा। तो यहाँ पे अगर आप ए लगा के आए तब भी आपको नंबर मिलेगा, डी लगा के आए तब भी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कानन का जंगल पर्यायवाची होता है, तो वन और आरण दोनों होगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन आप दोनों चुनिएगा, ए और डी। तो वहाँ पे आप जो भी लगाए हों, ए लगाए हों या बी डी लगाए हों, आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, कृताकृत में समास है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। देखिए आइए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है, कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए भी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ा। देखिए कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया है, तो वहां पे कौन सा चिन्ह आता है जानते हैं, कर्तृवाच्य, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटी है, तो आपको हमने बताया कैसे छांटना है, ये आप जानते हैं भी। तो आहार अच्छी होता है या अच्छा होता है? भाई आहार अच्छा होता है, तो डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। रहा है रही है लगाएंगे, अच्छा अच्छी लगाएंगे, पता तुरंत मिल जाएगा। चाहत क्या होती है? अच्छी होती है। रंगत अच्छी होती है, मेहनत अच्छी होती है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पुल्लिंग आपका कौन बचा? डी नंबर आहार, ठीक है भाई। चलिए माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द बताइए क्या होता है, तो इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जानकार, ठीक है। अगला देखते हैं, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? भीष्म साहनी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो चिन्ह जो बताया वही आपको देखने को मिला है भी। आइए अगला देखते हैं, करें इति इति शब्द का युग्म सही बताइए, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इति इति कहते हैं इत समाप्ति, और इति बांधा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य शुद्ध का चयन करना? चलिए भाई शुद्ध वाक्य बताना, कहें कि मैं गाने की अरे भाई कसरत तो आप एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पे कसरत बिल्कुल नहीं, गाना गाने के लिए एक कसरत शब्द नहीं प्रयोग होता है ना। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, देखिए अभ्यास कर रहे हैं, ये सही है, भी सही हो जाएगा। अब कह रहे कि मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, नहीं भाई मैं गाने का व्यायाम नहीं, कसरत थोड़ी कर रहे हैं, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, कह रहे कि अभय उभय, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभय माने निर्भय, और उभय उभय बताए थे आपको दोनों, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, देखिए इसमें दूर दूर ऑप्शन बहुत लिखा है, इसलिए आपको छोटा नजर आता होगा, ठीक है। अंधेर नगरी का अर्थ है, तो अंधेर नगरी का अर्थ क्या हो सकता है? राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अन्याय की जगह हो सकता है, ऑप्शन बी सही हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए कांति क्लांति शब्द युग में सही अर्थ हो जाएगा, तो देखिए इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चमक और थकावट। अगला देखते हैं, आदि व्याधि शब्द युग्म का आदि का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको आदि वाला बताना है, व्याधि वाला नहीं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसिक कष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको हमने बता रखा था कितनी बार, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए भी। तो दंत हो जाएगा ता थ द ध न, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, देखिए वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, कह रहे हैं कि इसमें आपको अव्यय बताना है, कौन सा अव्यय हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा कारणवाचक, ठीक है, क्योंकि लाचार है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना,
बिन पग, भाई बिना पैर का चल रहा है, बिना कान का सुन रहा है, तो क्या होगा? जिसके पास बिना कारण के काम हो रहा है, तो यहाँ विभावना अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञान पीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये तो साहित्य में दिया जाता है भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दवाई शब्द का सही बहुवचन बताइए, तो बताइए भी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दवाइयां, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी कह रहे हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ये तो बार बार बताया भी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ये आप जीवन में सुनते रहते हैं भी, कड़ी धूप होना। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, ये बताइए भी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आप रामायण सुने होंगे तो याद होगा, घर का वेदी लंका ढाए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, भाई बताइए, यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा। भाई जाना तो क्रिया है, देवता जातिवाचक संज्ञा है, कौन प्रश्नवाचक है, सुंदर है बच्चा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुंदर जो है विशेषण शब्द है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगता है, तो निर्वास, तो निर्वासित, इत प्रत्यय, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 50 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा, इत प्रत्यय। ठीक है, तो आपका पेपर हिंदी का तो सही आया था। ठीक है, और रीजनिंग भी आपकी बढ़िया आ रही है। ठीक है भाई, आप कुछ प्रश्न हैं जो बिना पेन उठाए कर लेंगे। ठीक है, और मैथ में भी कुछ है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो पेपर आपका ठीक ही लेवल का है। जिस तरह से पिछले दाई आया था, पिछले दाई तो आपका टाइम टेकिंग कुछ प्रश्न थे, जैसे भाई डिसीजन मेकिंग था, हाँ, और क्या था भाई, और रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि जो पढ़ने में टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ये आपका पेपर आपकी टाइम से टाइम कम नहीं पड़ रहा होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप पसंद आया है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और देखिए अगली शिफ्ट का फिर भी उसको हम करा देंगे। ठीक है, कल के भी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।